आज हमारे हमारे साथ बैठे हैं पूर्व अध्यक्ष और पूर्व विधायक। हाँ उनसे हम लोग आज उनसे परिचय लेते हैं। सर अपने परिचय। मैं डॉक्टर हाफिज इरशाद, पूर्व अध्यक्ष अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और पूर्व विधायक गोपालपुर आजमगढ़, वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी के 8 मंडलों का मुस्लिम भाईचारा देख रहा हूँ। समाज पार्टी के लगभग आधे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी जो है मुस्लिम समाज की मेरे जिम्मे की हुई है, तो पार्टी को आने वाले 2022 के चुनाव में पुनः हम लोग सत्ता में ले आने का प्रयास कर रहे हैं और हमारी पार्टी जरूर सत्ता में आएगी। कि आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो आरएसएस के एजेंडों पे काम करते हैं, ये ऐसा क्यों? देखिए, आरएसएस का एजेंडा या समाजवादी पार्टी का एजेंडा, मैं समझता हूँ कि ये दोनों पार्टियाँ एक दूसरे की पूरक हैं। जिस तरह से एक्सप्लॉयटेशन की राजनीति, भावनात्मक शोषण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, आरएसएस के लोग करते हैं कि देश में जो हमारी हजारों साल की पुरानी सभ्यता है, हिंदू मुस्लिम एकता की, और वसुदेव कुटुंबकम जो हिंदुत्व का नारा है, उस नारे को, उस पहचान को, हिंदुत्व की जो असल पहचान थी वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है, पूरी दुनिया के लोग आपस में भाई हैं, सब एक हैं, इस भाईचारे को तोड़ने का अगर कोई काम कर रहा है तो आरएसएस के लोग कर रहे हैं। एक पहलू पर वो काम कर रहे हैं, दूसरे पहलू पर समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह और उसी उन्हीं की परंपरा को अखिलेश यादव आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम के बीच में एक तरह की खाई पैदा करने का और अपने राजनीतिक लाभ के लिए देश की एकता और अखंडता को भंग करने का काम ये लोग कर रहे हैं। शिक्षा स्तर पर 5 साल में बड़ा काम किया है, क्या ये सच है? पहली बात तो ये कि जो प्रश्न आप मुझसे कर रहे हैं, ये प्रश्न अगर इस 5 साल का आप उनके कार्यकलापों को देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के, तो ये प्रश्न शायद आप मुझसे न करते, इसलिए कि शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में और एक कुशासन सुशासन के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम ही नहीं किया है। इन्होंने जितने वादे किए थे सत्ता में आने के लिए, इन्होंने पहला नारा दिया महिला सुरक्षा का, बेटी बचाओ का, और सबसे ज़्यादा इतिहास में, उत्तर प्रदेश के इतिहास में अगर बेटियों के साथ सबसे ज़्यादा शोषण हुआ है, बेटियों के साथ सबसे ज़्यादा अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, उनका बलात्कार हुआ है, उनकी हत्याएं हुई हैं, तो ये काम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में हुआ। इतना ज़्यादा तो कभी हुआ ही नहीं था। और इन्होंने महिला सुरक्षा बेटी बचाओ का नारा दिया, उसमें ये किया, इन्होंने युवा छात्र नौजवान को रोज़गार देने की बात किया। आज देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी उत्तर प्रदेश के अंदर फैली हुई है, कोई एक भी इन्होंने रोज़गार देने का काम नहीं किया, नौकरियाँ सारी की सारी खाली पड़ी हुई हैं। इन्होंने नौजवानों के विकास के लिए का वादा किया था, इन्होंने नौजवानों के का सिर्फ शोषण किया, उनको उनके ऊपर पुलिस की लाठियां बरसवाई, जब भी उन्होंने अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई उनको पुलिस के द्वारा उनको प्रताड़ित किया गया। इन्होंने किसानों की बात की, किसानों की आय बढ़ाने के बजाय किसानों के जो कुछ रोजी रोटी थी, जो उनकी मेहनत थी, उसको छीनने का, उस पर डकैती डालने का काम किया। इन्होंने गरीबों, पिछड़ों, दलितों के विकास के लिए की बात की, उनके साथ सिर्फ शोषण और उनकी नौकरियां छीनने का, उनको बेरोजगार करने का, उनको गरीबी में ढकेलने का काम इस सरकार ने किया। और मैं उसके लिए उदाहरण तौर पर पेश करता हूं कि नोटबंदी जिस तरीके से की, जिस तरीके से लॉकडाउन किया, और जिस तरीके से लॉकडाउन में पैदल भूखे प्यासे चलते हुए लोगों पर पुलिस का अत्याचार हुआ, वो उसकी मिसाल उत्तर प्रदेश के इतिहास में नहीं मिलती। तो ये तो शिक्षा और रोजगार के मामले में इनका कोई काम, इन्होंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम का काम किया है, इन्होंने सिर्फ मंदिर मस्जिद का काम किया है, और वो काम भी नहीं किया उसके नाम पर इन्होंने मुसलमान देश के एकता को तोड़ने का काम किया है। सत्ता में आने के लिए इन्होंने हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई पैदा की है, नफरत पैदा की है।